नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है। ये सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को वहाँ पहुँचने में 4 से ज्यादा घंटे लग जाते हैं। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से आप सब सोच रहे होंगे कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा सियारा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा सियारा है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि गर्मियों में किसी भी सियारे का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन नेपच्यून एक ऐसा सियारा है जिसका टेम्परेचर गर्मियों में भी ठंडा होता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? और अभी तक नासा का कहना था कि नेपच्यून मीथेन से बना हुआ है, लेकिन हाल ही में होने वाली स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि असल में वो इथेन से बना है। ये सभी बातें एक चीज की तरफ इशारा करती हैं कि नेपच्यून जैसा दिखाई देता है असल में वैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखें। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुरसकून सियारा है, लेकिन जरा ये सुनिए। ये आवाज नेपच्यून पर चलने वाली हवाओं की है, जो इतनी तेज चलती हैं कि अगर इसके अंदर हम अपनी जमीन को भी डाल दें, तो इसकी फोर्स की वजह से हमारी स्पिन नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरह बहना शुरू कर देगी। इन हवाओं की वजह से नेपच्यून पर द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसके अंदर हमारी पूरी जमीन आ सकती है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको इसके इर्द गिर्द सफेद बादल दिखाई देंगे। इन्हें सीरियस क्लाउड्स कहा जाता है। इस क्लाउड की सबसे खास बात यह है कि ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, जबकि दूसरे बादल वीपर से बने होते हैं। सीरियस क्लाउड्स की मौजूदगी का मतलब ये हुआ कि नेपच्यून का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ तक के इसी ठंडक की वजह से स्कूटर क्लाउड 16 घंटों में नेपच्यून के किर्द ऑर्बिट कर रहा है। हमने ये तो जान लिया कि नेपच्यून पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज चलती हैं, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि नेपच्यून सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से सूरज की गर्मी इस पर बहुत कम पहुंच पाती है और इसका एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। तो यहाँ सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? आखिर नेपच्यून में ऐसा क्या है जो इसके एटमॉस्फेयर को इतना गर्म कर रहा है? साइंसदान के मुताबिक इसकी वजह नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन है। ये गैस सोलर रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नेपच्यून का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन मजीद स्टडी करने से ये बात पता चली कि नेपच्यून का टेम्परेचर असल में इसका सबसे बड़ा चांद ट्राइटन बढ़ा रहा है। असल में ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी ऑर्बिट में उसके गर्म होने का राज छुपा हुआ है। असल में ट्राइटन का ये ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें नेपच्यून जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ट्राइटन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चांद पहले क्यूपर बेल्ट का हिस्सा था, जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से ट्राइटन ने अपनी ग्रेविटी की वजह से नेपच्यून के छोटे चांद को इसके अंदर धकेल दिया। इससे हुआ ये कि जैसे मेट्रोइड जमीन पर गिरते वक्त गर्म हो जाते हैं और अपने साथ एटमॉस्फेयर को भी गर्म करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन मून्स ने भी नेपच्यून के एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया है। उस वक्त से लेकर आज तक वो मीथेन की वजह से ही गर्म है। असल में नेपच्यून के साउथ हेमिस्फेयर में 2005 से गर्मियां चल रही हैं और ये अपना एक ऑर्बिट 165 सालों में कंप्लीट करता है और ये अपना अगला ऑर्बिट 2045 तक कंप्लीट करेगा और आने वाले 20 से 25 सालों में ये और भी गर्म होना चाहिए। लेकिन जब साइंसदानों ने इसकी 2006 से 2020 की इंफ्रारेड तस्वीरों को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि वो गर्मियों में ठंडा हो रहा है, वो भी 8 डिग्री तक। साइंसदान का कहना है कि ये रेडिएटिव कूलिंग टाइम का नतीजा है
जो वैसे तो मेजर फिनोमिना नहीं है, लेकिन हर सियारे के एटमॉस्फेयर की लेयर अपने केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस की वजह से सूरज की हीट को पकड़ कर रखती है और कुछ टाइम के बाद उसे खारिज कर देती है। लेकिन नेपच्यून के केस में पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर की सबसे अंदरूनी लेयर ट्रोपोस्फेयर का आरसीटी बहुत ज्यादा है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर का आरसीटी बहुत कम है। साइंसदानों के मुताबिक वो ट्रोपोस्फेयर जिसके बादल सूरज की गर्मी को बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर छुपा हुआ है, जिसकी वजह से नेपच्यून हमें ठंडा दिखाई देता है। एक बात ये भी है कि मीथेन इंफ्रारेड लाइट को मुकम्मल तौर पर जज़ब करती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मीथेन की वजह से इंफ्रारेड तस्वीरों में हीट नजर ही नहीं आ रही हो। क्या ये बात उस वक्त तक पुर इसरार रहेगी जब तक हम हाल ही में होने वाली स्टडी के बारे में नहीं जान पाएंगे? साइंसदानों के मुताबिक नेपच्यून को ठंडा मीथेन नहीं बल्कि इथेन कर रही है, जो अब तक किसी को पता ही नहीं था कि इथेन भी नेपच्यून पर मौजूद है। असल में उनकी थ्योरी के मुताबिक नेपच्यून का साउथ पोल सूरज को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन को इथेन में बदल रही है। इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में मीथेन सोलर एनर्जी की मदद से मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके बाद ये मिथाइल ग्रुप अनस्टेबल होने की वजह से आपस में बॉन्ड बनाकर इथेन मॉलिक्यूल्स बनाने लगता है, और जब ये बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी बाहर खारिज होती है, जो इंफ्रारेड तस्वीरों में कैप्चर हो सकती है। लेकिन साइंसदान का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी तो खारिज होती है, लेकिन इथेन बनते ही तेज हवाओं की वजह से नेपच्यून के पूरे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट हो जाती है। नेपच्यून की स्ट्रेटोस्फेयर इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती कि इंफ्रारेड तस्वीरों में भी गर्म नजर आए। यानी नेपच्यून तो गर्मियों में गर्म हो रहा है, लेकिन उसे अपनी गर्मी छिपानी भी आती है, क्योंकि हम उसे नजरअंदाज करते आए हैं। असल में नासा ने जुपिटर पर 9 और सैटर्न पर 4 मिशन भेजे हैं, लेकिन नेपच्यून पर एक भी मिशन को नहीं भेजा गया। आज तक हमें सारी इन्फॉर्मेशन वॉयेजर 2 के जरिए मिली है, जिसमें नेपच्यून असल था ही नहीं। अगले साल नेपच्यून पर चाइना अपना मिशन इंटरस्टेलर एक्सप्रेस प्रोग्राम करने वाला है, जिसमें वो नेपच्यून पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाले हैं, वो भी सिर्फ अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। असल में इंटरस्टेलर एक्सप्रेस नासा के प्रोग्राम की तरह हमारे सोलर सिस्टम की हेलियोस्फीयर और इसके बाहर एनवायरनमेंट को समझने के लिए बनाया गया है। इसमें भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की तरह 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे, लेकिन चाइना ने सोचा कि ये तो अमेरिका की कॉपी है, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक प्रॉब में एक्स्ट्रा मिनी प्रॉब ऐड कर दिया, जिसका नाम नैप यानी कि नेपच्यून रखा गया, जो नेपच्यून के पूरे इसरार एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला है। ये वो चीज होगी जिसे अभी तक नासा भी स्टडी नहीं कर पाया। अगर चाइना इसमें कामयाब हो गया तो इसकी स्पेस एजेंसी पहली बार नासा से ऊपर चली जाएगी। चाइना का ये दावा है कि उनका ये नैप 2038 तक नेपच्यून तक पहुंच जाएगा। नासा भी नेपच्यून पर मिशन भेजने वाला है, जो 2033 में लॉन्च होगा। चाइना के नैप वो गेम चेंजर है, जो नासा की पॉपुलैरिटी को कम कर देगा। नासा अपने मिशन के लिए सबसे पावरफुल रॉकेट SLS का इस्तेमाल करेगी, जो नेपच्यून के साथ साथ इसके चांद ट्राइटन को भी स्टडी करेगा। असल में ये मिशन नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में एक ऑर्बिटर को छोड़ेगा, जो नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर आधे घंटे तक इसका डेटा कलेक्ट करेगा, और फिर इस डेटा को स्टडी करके साइंसदान इसकी कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेयर में होने वाली गड़बड़ और इसमें होने वाले इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से हमें नेपच्यून की एवोल्यूशन के राज के बारे में पता चलेगा। वैसे आपका इन सारी डिस्कवरीज के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।